नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि 10th का लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में होता है तो उसके क्या रिजल्ट मिलते हैं। जब 10th का लॉर्ड फोर्थ हाउस में हो और फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो आगे किस प्लेनेट के साथ अपना कनेक्शन बना रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो वो रिजल्ट्स कैसे जो हैं चेंज होंगे। साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर मैलेफिक प्लैनेट फोर्थ हाउस में एज अ 10th लॉर्ड होकर हो या क्रूरल प्लैनेट हो, जैसे मंगल है, सूर्य है, शनि है, ठीक है, तब कैसे रिजल्ट्स होंगे। जब कोई नेचुरल बेनेफिक प्लैनेट है, जैसे बृहस्पति हो, बुध हो या शुक्र हो, तब जर्नलाइज कैसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। और फर्दर फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब आगे किसी और प्लैनेट के साथ रिजल्ट बनाता है तो वो रिजल्ट्स कैसे मॉडिफाई हो जाते हैं, कैसे उनमें चेंजेस आ जाते हैं, इन चीजों पे भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि काफी दर्शकों का कमेंट होता है। लास्ट टाइम हमारे एक दर्शक ने कमेंट किया था कि आपने कंप्लीट चीज नहीं बताई, तब मैंने उन्हें ये रिप्लाई दिया है कि हम एक सीरीज को चला रहे हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। तो जब आप एक सीरीज को चलाते हैं तो एक प्लैनेट एक हाउस के बारे में, ये हमारा अभी थर्ड वीडियो है ओनली ऑन 10th हाउस पे, ठीक है, तो एक वीडियो में सब कुछ कवर कर लेना वो संभव नहीं है। एक भाव या एक प्लैनेट को लेकर कभी कभी हमारी डिस्कशन जो है 1 month लॉन्ग भी हो जाती है, ठीक है। तो कृपया आप इन चीजों को समझें और मैच्योरिटी से रिएक्ट करें, मैं ये उम्मीद करता हूं, क्योंकि कोई भी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो उसके पीछे काफी लोगों का समय और मेहनत होती है। तो ये नहीं है कि सभी लोग जो हैं मतलब सिर्फ अपनी ऑडियंस को लुभाने के लिए कुछ भी बना के डाल दिया। कोई भी टॉपिक को कवर करने में टाइम लगता है, नंबर ऑफ वीडियोस काफी होते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो चैनल है वो सीरियस लर्नर्स के लिए है, राइट। तो जिन लोगों का ऐसा विचार है कि राशिफल आएगा या कोई ऐसा सोचते हैं कि हम मतलब 10-12 वीडियोस देखेंगे या 2-4-6 महीने में हम एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो वो यहाँ पे निराश हो, ठीक है। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना हम बोले। आप हमें मेंबरशिप लेके फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हेलो ये हम जो चर्चा कर रहे हैं, अनिल जी का डिस्कनेक्ट हो गया क्या, है ना? देखिए, जब फोर्थ हाउस में सेवंथ हाउस सॉरी फोर्थ हाउस जो है वो 10th हाउस से सेवंथ है, ठीक है, और 10th हाउस की प्लेसमेंट जो है, जिसका लॉर्ड है उसकी फोर्थ हाउस के अंदर एक अच्छी प्लेसमेंट है, यहां पर उसकी पावर को वो इनहैंस करता है। लेकिन जब 10th का लॉर्ड मैलेफिक प्लैनेट और वो फोर्थ हाउस में हो, ठीक है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ये एक अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। ऐसे इंसान को जो सुख है, जो खुशी है, वो अपने प्रोफेशन और प्रोफेशनल कार्यों से होती है। कर्म के अंदर ऐसे इंसान का मन लगता है, ठीक है, राइट। सर, यहाँ पर जो आपने जैसे फोर्थ हाउस बताया उसमें जो 10 नंबर लिखा है वहां पर कोई मैलिफिक प्लेनेट भी होना चाहिए या सर?
इस चीज इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए। हम ये बात कर रहे हैं, अब आप काल पुरुष कुंडली पे जाइए फिर से। वो टेंथ तब का लॉर्ड कौन है? अपने शनि शनि और शनि नेचुरल मैलिफिक है या बेनिफिक है? मैलिफिक स्ट्रिक्ट प्लैनेट है ना, जी सर हमारे कर्मों को सिग्निफाई करता है। जो हमारे कर्म प्रधान रहेंगे हमारी लाइफ में, सिर्फ हमारी एक प्रोफेशनल लाइफ को ही नहीं इंडिकेट करता, उसके साथ साथ जो ऐसा कर्म हम प्रधानता से जैसे कार्य करेंगे, मुख्यतः जो कार्य करेंगे उनको भी सिग्निफाई करता है। जब वो फोर्थ हाउस में जाता है तो वे ये एक अच्छी प्लेसमेंट मानी गई है। ठीक है, जी सर क्लियर हो गया? जी सर जी सर हम यहां पर ये नहीं कह रहे हैं कि टेंथ लॉर्ड के साथ कोई मैलिफिक बैठा हो। इसको करेक्ट कीजिए। जैसे जी सर मंगल वहां दिग्बली होता है, सूर्य वहां दिग्बली होता है। ठीक जी सर है, जी सर चीज को समझ। जब हमने मैलिफिक बोला है उसको आप एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। मैलिफिक से हमारा तात्पर्य है शनि हो गए, सूर्य हो गए, मंगल हो गए। तो ये प्लैनेट्स जो सौम्य नहीं है ना, ये स्ट्रिक्ट हैं। भले ही सूर्य और मंगल जो हैं वो मतलब कि वो एक देव वाली पार्टी है, एक दानव वाली पार्टी है, लेकिन ये देव वाली पार्टी में आते हैं, लेकिन ये क्रूर ग्रह हैं। स्ट्रिक्ट होते हैं इसलिए राइट, जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें सौम्यता होती है, आपको हमेशा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो जो नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट्स हैं वो कौन से हैं? बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्र ले लो जी सर ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि दशम का लॉर्ड अगर मैलेफिक प्लैनेट है, देखिए यहां पे उन्होंने बोला मैलेफिक प्लैनेट है शुरू से ही। मैम आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, म्यूट। सर मैं कॉल कर रही हूँ। अच्छा, आई थिंक कि आप कुछ कह रहे थे। अरे ठीक मैं है, उनको कह रही थी मेरा पेन खत्म हो गया, मुझे दूसरा पेन। तो आप उसमें देखिए कि शुरू में ही जो यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप काल पुरुष कुंडली के आसपास ही घूम रही है। जी सर ठीक है ना, ये बहुपुत्र योगा भी देता है, नाड़ी के अकॉर्डिंग भी। अगर 10th का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है तो भी वो संतान का प्रॉमिस करता है। जी सर ठीक है ना, जी अगर सर किसी का 10th हाउस स्ट्रॉन्ग है, भले ही 5th हाउस स्ट्रॉन्ग ना हो, तो भी उसको चाइल्ड की जो है मतलब संतान प्राप्ति का एक अच्छा योग माना गया है। और ये बात तब सत्य है जब दशम का लॉर्ड जो है सूर्य, मंगल या शनि, इनमें से कोई हो, वेन ये मैलिफिक्स के बारे में जो है एप्लीकेबल है। क्लियर हुआ? जी सर ठीक है, जी सर जी बेनिफिक्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना सर जी, शनि खुद मैलेफिक है इसलिए भले भले ही जो फिफ्थ मतलब जो 10th का लॉर्ड है अगर 4th हाउस में है, वो 5th से 12th है। जी सर ठीक है, जी लेकिन सर ये चाइल्ड के लॉस को नहीं दिखाता है। ये बात सिर्फ क्रूर ग्रहों पे ही अप्लाई होती है। क्रूर नहीं, मैलिफिक कह लो, है ना? जी सर ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखना है आप। अगर यहां पर सौम्य ग्रह हैं, ठीक है जी, मैं एक मिनट इनको देखूं, ये अनिल जी को कनेक्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है सर नहीं तो उनका रह जाएगा ना। जी
ठीक है। अब अगर हम ये बात देखें कि बेनेफिक प्लैनेट्स हैं तो उनको केंद्र अधिपति दोष लगता है, ठीक है ना। और अगर बेनेफिक प्लैनेट्स हैं जैसे सौम्य ग्रह हैं, 10th हाउस एक किस और चीज को भी दर्शाता है प्रोफेशन के साथ साथ, हैं जी बताइए। सर कई लोग पिता का भी बोलते हैं ना भावी को। मैम थोड़ा माइक सही से बोलिए, आपकी आवाज ही नहीं आ रही प्रॉपर। सर पिता का भाव भी बोलते हैं ना कई लोग से। 10th हाउस हमारी मेहनत और हमारे संघर्ष को भी दिखाता है, हमारे कार्य करने को दिखाता है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम अपने स्टेट ऑफ जो सुख का स्टेट है उससे बाहर आते हैं ना, कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं ना हम, जी सर, राइट। ठीक है ना। जी सर, तो यहां पे क्या है कि जो आप देखिए कि 7th मतलब जो 4th हाउस है वो 10th से 7th हाउस है, जी सर, ठीक है। तो वहां पर अगर 10th हाउस वीक पड़ जाता है तो ये प्रोफेशनल राइवलरी को दिखाता है। कहीं भी वो कार्य करते हैं लोग उनसे प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, प्रतिद्वंदी बन जाते हैं, उनके साथ के लोग उनसे सहयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अपने प्रोफेशनल कार्य में ही उनके दुश्मन बन जाते हैं लोग, ठीक है, जी सर, जिससे कि उनको कार्य करने में प्रॉब्लम होती है। अब सौम्य इंसान है, एक बेचारा बहुत सौम्य इंसान है, तो उसको कोई भी थोड़ा सा वो कर देता है ना, मतलब लड़ाई झगड़े में वो इंटरेस्ट नहीं रखता, वो प्रतिस्पर्धा नहीं करता, है ना, कंपटीशन नहीं करता वो। लेकिन जो थोड़ा स्ट्रांग है, जिसकी विल पावर स्ट्रांग है, जो थोड़ा रफ एंड टफ है, वो प्रतिस्पर्धा करता है। बोला ऐसे कैसे, मैं बताता हूं, है ना। जी सर, तो कंपटीशन जब जब आप अपने ऑफिस में जाते हैं, यू आर जस्ट जस्ट डायरेक्टली लैंडिंग इनटू अ कंपटीशन, राइट। जी सर, आप काम कर रहे हैं, वहां आपको दूसरे से बेटर काम करके दिखाना है। आप व्यापार कर रहे हैं, वहां आपको अपने कंपटीशन को खत्म करना है, उनसे आगे निकलना है। तो वहां तो बेचारा जो सौम्य बंदा है वो तो वैसे ही घबरा जाएगा, बोला ये हो क्या रहा है ना। और जो रफ एंड टफ होगा, जिसका जो इन चीजों का आदि होगा कंपटीशन करने की, जिसकी नेचुरल प्रकृति होगी, तो वो बोलेगा ठीक है, इट्स ओके, मेरी नेचर के हिसाब से है, ठीक है, लेट्स डू इट, है ना। जी सर, एक नेचुरल टेंडेंसी बता रहा हूं कि ऐसा शायद क्यों कहा गया है। हाँ इसीलिए हुआ होगा ना तभी। केंद्राधिपति दोष यही मतलब है कि वो जब केंद्र में चला गया कंपीट नहीं कर देखो सकता। एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं, ज्योतिष में छोटी छोटी चीजों को अगर हम पकड़ते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकलती हैं। त्रिकोण क्या है? 159 त्रिकोण त्रिकोण है लक्ष्मी स्थान, हाँ लक्ष्मी स्थान और वो विष्णु है वो केंद्र केंद्र क्या है? विष्णु विष्णु स्थान विष्णु स्थान। विष्णु जी क्या करते हैं? पालन करते हैं, जी। है ना। तो वहां वी हैव टू डू वर्क। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र कौन सा है? 10th हाउस, राइट। जी सर, वहां हमें कार्य करना है। जब हम कार्य करेंगे, हम कुछ मेहनत करेंगे, हम कुछ हम हमेशा ऑक्यूपाइड होते हैं ना अपने वर्क प्लेस के ऊपर। जी सर चाहे आप भले ही व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हो आप, लेकिन कुछ ना कुछ टास्क कर रहे हो, कुछ चीज करनी है, मेंटली आप चीजों से घिरे हुए हो, आपको एक जो है टारगेट को अचीव करना है ना। जी तो वहां पे आपको क्या चाहिए? कंपिटिटिव, सख्त होना कि हाँ मेरे मैं भी करूंगा, मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा, ठीक है। बिजनेस होता है, बिजनेस को इजी है, पैसा लगाओ फिर पैसा कमाओ, कितना मुश्किल है।
क्यों अशोक जी सर। बताइए, पैसा कमाना ना इजी है क्या बिजनेस में? सर, सबसे पहले देखो कितना ढेर चाहिए, पहले जो अपने पास पूंजी है उसको लगा देना है मार्केट में, फिर उसको सेल आउट करना है, तब उसमें से प्रॉफिट निकलता है। फिर बाकी को मांगते रहो, हैं? फिर अपना ही पैसा मांगना पड़ता है, दे दो भैया तो कुछ। आप देखिए कि यहाँ कितना कंपटीशन है, फिर आपके कंपटीशन में ये नहीं है कि आप वो काम आप ही कर रहे हो, और भी लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर अगर 10th हाउस का लॉर्ड, राइट, 10th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है और 4th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस से कोई संबंध बना रहे लेता है, ठीक है ना? जैसे कि राहु से, जैसे कि 12वें के लॉर्ड से, बृहस्पति भी 12वें का लॉर्ड है ना, लेकिन हम यहां पे ना सिंपल बृहस्पति से नहीं कह सकते, क्योंकि बृहस्पति 9th हाउस का उसका मूल त्रिकोण है, लेकिन 12th की लॉर्डशिप भी बृहस्पति को दी गई है। राहु एंड बृहस्पति बोथ आर को लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, ठीक है? तो बृहस्पति के साथ अगर चंद्र है, ठीक है, तो क्या दिखाता सर है? चेंज दिखाता है ना। टू प्लीज। मच ऑफ चेंजेस इन प्रोफेशन इज नेवर अ हेल्दी थिंग, प्रोफेशन के लिए कभी भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना जी? जी सर, ये दिखाता है कि ऐसा इंसान को झूठे दोष में फंसा दिया जा सकता है, जिसकी वजह से उसको कारावास भी हो सकता है, उस पर कोई गलत इल्जाम भी लगाया जा सकता है, उसके ऊपर कोई गबन का, फ्रॉजरी का केस भी लगाया जा सकता है, या उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। ये चीज और भी ज्यादा एप्लीकेबल हो जाएगी जब वो बेनिफिक प्लैनेट होगा। राइट? जी देखो नई चीज आई है ना, सर, आज मैं एक हॉरोस्कोप भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। हैड सीन, या ऐसा हो सकता है कि जब वो लोग कार्य करते हैं तो उनके जो इमीडिएट बॉस हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कार्य कर रहे हैं, वो उनके कार्य से खुश ना हो और उनको सैक कर दें, शंटिंग कर दें, या कोई घपला हो जाए, कोई भी ऐसी बात हो जाए जिसका एलिगेशन उन पे आ जाए, गलत, देखो फॉल्स मतलब दोष लग जाना। बृहस्पति और चंद्र जो लोग केंद्र वो बोलते ना, कौन सा वो कौन गजकेसरी सा होता है, मेरे माइंड से गजकेसरी है, गजकेसरी गज की श्री। गजकेसरी अगर कहीं अगर कहीं 10th और 4th का लॉर्ड है, अगर ये अगर 10th का लॉर्ड जो है वहां बैठा हो और उनका कॉम्बिनेशन हो, तो फॉल्स एलिगेशन का योग भी बनता है। कैसे बनता है, थोड़ा सा और एक्सटेंड कीजिए इस चीज को। सर, जब जुपिटर 12th का लॉर्ड आ गया और चंद्रमा 4th का लॉर्ड आ गया, इनका कनेक्शन जब बन जाए 10th हाउस से, तब आ सकते हैं ना। और 10th का लॉर्ड बेनिफिक हो गया 4th के साथ बैठा। अब हाँ, 10th लॉर्ड बेनिफिक हो देखो गया 10th से 10th कौन सा है, 7th हाउस में। वहां का कर्ता धर्ता शुक्र और बुध है, हाँ, तो बुध बृहस्पति चंद्र तो वैसे ही दोष का वो है, अच्छा, ठीक लालचन है। लगती है, बुध एली बृहस्पति हैं चंद्र, जी। नहीं सर आपने पहले भी बता रखा है ना, बुध बृहस्पति और चंद्र। ये देख रहा हूं कि ये मैं ये बता रहा हूं यहां पर कि चीजें कैसे वो हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं। शनि आप देखो 10th का लॉर्ड है 7th में जाके, तो वो भी उच्च का होता है ना, ठीक है सर,
अगर 12th का लॉर्ड 4th में बैठा है और उसका 10th के लॉर्ड से कोई संबंध बनता है, तो ऐसे इंसान की जॉब जाती रहती है या वो जॉब चेंज करता रहता है? जी प्रोफेशन बदलते रहते हैं। अभी हम नाड़ी पढ़ने जा रहे हैं, पहले हमने शुरुआत की है वैदिक से। कईयों को तो वैसे ही पेट में ये ऐसे दर्द भी होता है कि ये वैदिक पढ़ा रहे हैं कि नाड़ी पढ़ा रहे हैं। भाई हमारा मोटिव है कि सबसे पहले हमारी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, प्लेनेट के बारे में, हाउस के बारे में, भाव के बारे में, तभी आप उनको ज्वाइन कर पाओगे ना, क्लब ब्लेंड कर पाओगे ना। अभी मोनिका मैम भी तो वैदिक में बहुत नॉलेज रखते हैं, ठीक है, तो इन्होंने भी ये चीज बोली। अभी आपने बोला कि 12th का लॉर्ड इज 4th का लॉर्ड और 10th का लॉर्ड हो तो चेंज इन वर्क प्लेस होता रहता है, जॉब छूटती रहती है, ठीक है। जी एग्जाम्पल हॉरोस्कोप भी दूंगी बाद में, इससे हैं रिलेटेड एग्जाम्पल हॉरोस्कोप दूंगी आप। मेरा ना ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, अभी फर्स्ट पॉइंट वही है ना कि डिपॉजिटर 10th का बैठा है 4th हाउस में, उसका डिपॉजिटर 12th के साथ चला गया, ठीक है। अब आप देखिए कि 10th हाउस जो है वो 4th हाउस, मतलब 4th हाउस जो है 10th से 7th हाउस है, उसका कनेक्शन 6th हाउस से या 12th हाउस से बन गया, स्पेशली अगर 6th हाउस से बन जाता है ना, तो वो क्या है, वो पब्लिक ह्यूमिलेशन देता है, मान सम्मान में, स्टेटस है ना, 10th हाउस स्टेटस है ना, जी सर, मान सम्मान में कमी करता है। बॉस डांट रहा है सबके सामने, कोई काम किया क्रेडिट उसको नहीं मिला, किया उसने उसको क्रेडिट नहीं मिला, उल्टा डांट मिल गई, ठीक है ना। उसका संबंध अगर केतु या राहु से बन जाता है तो ऐसे इंसान को शंटिंग करते हैं ना, मैन पावर वो एडजस्टमेंट करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां शंटिंग कर देती हैं, कोर्ट मार्शल वगैरह हो सकता है, स्पेशली अगर ये सौम्य प्लैनेट हो तो और भी ज्यादा है, ठीक है ना जी। जी सर, जी सर, लेकिन अगर सौम्य प्लैनेट है, किसी वजह से 4th हाउस में जाके वो मित्र राशि में बैठा है या उच्च का हो जाता है, ऐसी कोई चीज होती है, तो उसमें क्या है कि उस पे दोष तो लगेगा लेकिन वो उससे बच के बाहर आ जाएगा, नीट एंड क्लीन, लेकिन दोष जरूर लगेगा, ठीक है। आपको एग्जाम्पल चार्ट भी आज दिखाऊंगा, राइट, ये नहीं कि हम ये पढ़ रहे हैं, ये कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो ये है कि अगर 4th हाउस 10th का लॉर्ड अगर क्रूर ग्रह है, मैलेफिक ग्रह है, वो अगर 4th हाउस में बैठता है तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, अगर बेनिफिक प्लैनेट है तो उसके रिजल्ट्स जो हैं अच्छे नहीं मानेंगे, ठीक है ना। अगर पोजीशन ठीक है अच्छी हो रही है तो इंसान के पास बहुत ज्यादा नंबर में वर्कर्स होंगे या सर्वेंट्स होंगे। अब लोग शनि और चंद्र के बारे में कितना झूठ फैलाते हैं भाई, है ना, जी सर, अरे क्यों सौरसती लग गई, बंदा तो बेचारा पहली नाम सुन के बेहोश। यहां वो बोल रहे हैं कि अगर शनि जाके 4th हाउस में बैठा हुआ है, ऐसा इंसान के पास नौकर चाकर होंगे, वर्कर्स काफी होंगे, मतलब काफी तादाद में जो लोगों को वो हैंडल करेगा, जी सर, बिल्कुल पब्लिक सर्विस में भी हो सकता है, जी, कितना इंपॉर्टेंट है ना आज के टाइम में, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके नीचे 500 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। जी सर, देखिए शनि यदि खराब हो जाए तो राहु के साथ बैठा हो रिट्रो हो जाए उसमें। हमने पहले ही ये चीज बोल दिया कि अगर राहु और केतु के साथ आएगा
तो उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, गबन वगैरह हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। अगर अच्छा बैठा हुआ है तो बढ़िया रहेगा, या अगर राहु केतु के साथ है लेकिन 10th का लॉर्ड वहां जाके अच्छा बैठा है, स्ट्रॉन्ग बैठा है, उसको और भी सपोर्ट मिल रही है, तो पता लगा कि रेड तो पड़ी लेकिन बच गया। गवर्नमेंट का कोई एक्शन तो हुआ लेकिन वहां से बच निकला, कोई दोष लगा लेकिन वहां से बच गया। अब शनि उच्च का बैठा हो, ठीक है, या 10th का लॉर्ड वहां जाके स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मतलब उसके बल में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। जी और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, बड़ी उसमें, संस्थान हाँ, संस्थान संस्था बड़ी संस्था में उच्च पद के ऊपर एग्जीक्यूटिव, कार्यों को एग्जीक्यूट करवाने वाला, मासिस, अगर ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसको ब्लेसिंग मिल रही है, मान लो शनि जाकर बैठ गया, बृहस्पति देख रहा है, बढ़िया है, तो मासिस उसको फॉलो करते हैं। 10th लॉर्ड इन 4th हाउस, अ लार्ज मासिस ऑफ पीपल फॉलो द पर्सन, है कि नहीं, बताइए। सर। अरे हाँ जी मनसा, बोलिए अनिल जी, क्या कह रहे हैं। अरे सर क्या बोले, मनसा पूजा का पीछे तालाब है, उसे बसाने के लिए आया, इतना जोर से गाना बाना बजा रहा था कि डिस्टर्ब हो गया, एकदम बंद कर देना पड़ा, आप अरे लोग भी कोई परेशान हो कोई जाते बात हैं। नहीं, आप वो कर देते, ठीक है। हाँ फिर हाँ अगर अगर 10th का लॉर्ड जो है 4th हाउस में स्ट्रेंथन हो रहा है, मतलब कि वो मैलेफिक है, उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो एक अच्छे रिजल्ट्स को दिखाता है। ऐसे इंसान का अपनी मदर के प्रति डिवोशन बहुत ज्यादा होता है। शनि चंद्र कॉम्बिनेशन हाँ शनि चंद्र का ऑफ डिवोशन, इंड्योरेंस बहुत अच्छी होती है, इंसान का मन कार्य में लग रहा है। फर्दर ये डिपेंड करता है कि चंद्रमा भी एक मजबूत स्थिति में होना चाहिए। अगर चंद्रमा मजबूत है, शनि अगर 4th हाउस में जा रहा है, हम काल पुरुष कुंडली पे आ गए हैं, लेकिन अलग अलग लगन में अलग अलग 10th लॉर्ड आते रहेंगे, 4th लॉर्ड आते रहेंगे, उनका भी वैसे ही उस पर अप्लाई करेगा ही, ठीक है। डिवोशन है, इंड्योरेंस बहुत है, काम करने की क्षमता बहुत है, क्योंकि मन कार्य में लग रहा है। ऐसे इंसान का सुख कहाँ रहा है, उसको वर्कहॉलिक है। साढ़ सती का एक बताता हूं, जो इंसान आलसी है वो ही परेशान होगा साढ़ सती में। जो मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, उसको साढ़ सती बहुत कुछ देकर जाएगी। ठीक है जी, जी प्रॉब्लम उसके लिए है जो मेहनत नहीं कर रहा, ठीक है। आप देखिए, हम किसी भी चीज में जाते हैं, हम वहां मेहनत करते हैं, अपने आप को बिल्डअप करते हैं, तो वो बिल्डअप करने में टाइम तो लगता है ना, लेकिन जब हम बिल्डअप करते हैं फिर एकदम से रिजल्ट आते हैं, आते हैं ना। जी बांस सर को देखा, वो 5 साल सुने मिट्टी के अंदर रहता है, राइट, लेकिन फिर जब वो एकदम ग्रो करता है तो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है वर्ल्ड में, एक एक साल में कई कई मीटर बढ़ जाता है ना, जी सर पुष्य नक्षत्र कहाँ आता है, कर्क राशि में, कर्क राशि में
बृहस्पति इसका इसके देव हैं और शनि जो है प्लैनेट अटैच है इनके साथ। यही है ना जी, पुष्य नक्षत्र का पौधा क्या है? बांस ही पास है ना। मेरे पास ऐसा बुक राइट, मतलब कि ऐसे इंसान शनि चंद्र वाला जो इंसान है वो मेहनत करता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, करता रहेगा। लोग सोचेंगे अरे यार ये तो ऐसे ही मेहनत कर रहा है, लेकिन जब वो तरक्की करेगा ना, वो थोड़ी घिसाई थोड़ी ज्यादा हो जाती है ऐसे इंसान की, लेकिन जब वो तरक्की करता है वो दो लोग देखते रह जाते हैं कि अरे ये यहां पहुंच गया। ठीक है, अशोक जी दुबई घूम भी आए, लोग ऐसे ही सोचते हैं फिर, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, है ना। जी सर। ममता जी की बेकरी बन गई इतनी बड़ी क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की। राइट, सो शनि चंद्र कहता है मेहनत करो, जितना मेहनत करेगा उतना पाएगा। ठीक है, माता के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस होंगे, गाइडेंस बहुत अच्छी मिलेगी माता से, माता से एक कार्मिक कनेक्शन होता है, फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन होता है, क्योंकि ऐसा इंसान फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होता है। ठीक है, अच्छी रेपुटेशन होती है उसकी, पैसा अच्छा कमा लेता है, लग्जरीज को जोड़ता है, खोज के लाता है लग्जरीज अपनी लाइफ में एड ऑन करता है। हाँ, स्ट्रिक्ट होता है, अनुशासन प्रिय होता है, स्ट्रिक्टनेस होती है, सही कार्य करना चाहता है, प्रिंसिपल्स पे चलने वाला होता है, राज्य से फायदा मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट से फायदा मिलता है, ऐसा इंसान दयालु प्रवृत्ति का होता है, लेकिन दयालु तो सिर्फ उसी पे दिखाता है जो उसके लायक होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल है ना, मन पर शनि का प्रभाव है ना, प्रैक्टिकल है कि अगर ये काबिल है तभी इसके लिए दया दिखाई जाए, अयोग्य इंसान पे दया नहीं दिखाता। अब मंगल जो है वो उच्च का होता है 10th हाउस में आके, है सर ना। मैंने एक चीज हमेशा आप लोगों से डिस्कस करता हूं कि जब हम किसी प्लैनेट की या घर की बात कर रहे हैं, वहां पे अगर कोई प्लैनेट आके उच्च का होता है, बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ऐसा इंसान एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होके उसे अच्छा लगता है, वो ऐसे काम करता है, लैंड से संबंधित कार्य करता है, जमीन से संबंधित कार्य करता है। ठीक है, सर। अगर नवम का स्वामी और 4th का स्वामी पावरफुल है, नवम का लॉर्ड बृहस्पति है, वो आगे चतुर्थ में उच्च का होता है, और चतुर्थ का स्वामी उच्च का होता है सेकेंड दूसरे हाउस भाव में, टॉरस में, तो ऐसा इंसान एक अच्छी खासी पॉलिटिकल फिगर बनता है। इसका भी एग्जाम्पल दे दूंगा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, लेकिन 10th का लॉर्ड अगर नीच का हो जाए, शत्रु के साथ आकर बैठ जाए, अफ्लिक्शन में आ जाए, तो ऐसा इंसान को जमीन की या प्रॉपर्टी की हानि हो जाती, या ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी है बेचना चाह रहे हैं बिकी नहीं रही है, होता है ना। जी सर। ठीक है, तो दिस इज जर्नल टू एडवांस प्रेडिक्शंस व्हेन 10th लॉर्ड इज इन 4th हाउस। जी सर। ठीक है, अब मैंने आपसे